Hey guys, how's it going? This is Lost in Heaven. और आज है अच्छा मौसम और आज हम जा रहे हैं एक जगह है लाक्स करके. तो मैंने मेरी कैमरा वुमन को बोला था थोड़ा सुबह जल्दी आ जाए, बोल रही थी हाँ जब सूरज निकलेगा तब जाएंगे, लेकिन आ रही 12 बजे. ट्रैफिक जो भी है, लेकिन हाँ अभी भी हम ट्रैफिक में ही फंसे हैं, तो होपफुली पहुँच जाए. लेकिन क्योंकि तो अब हम पहुंच गए हैं लाक्स. अभी अभी गाड़ी पार करी है और हमने शुरुआत करी है अपनी सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ से, वो है खाना. क्योंकि भूख लग रही है. यहाँ पे बज गए 3 और गाड़ी चलाते मेरे को भूख लग रही थी. मैंने लंच किया, मतलब ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन बहुत ही छोटा. तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं. अब हमने सोचा कि सबसे पहले थोड़ा ठूस लें और उससे हमें ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी यहाँ पे हाइकिंग करने की. मैंने पहली बार डंपलिंग्स देखे हैं जर्मनी में सुपरमार्केट में. लेट्स सी हाउ दे आर. हाँ, तो डंपलिंग खाएंगे. अब पता नहीं हाइकिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, कोशिश तो करेंगे, लेकिन पहले खाना खा लें यहाँ पे अच्छी वाली जगह पे. तो ये है जर्मनी के मोमो, देखते हैं कैसा रहता है. गर्म नहीं है और दिल्ली से नहीं है या फिर देहरादून से नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ ठीक है. हाँ, तो अब मैं फिट कर रहा हूँ अपना मेन कैमरा स्टेबलाइजर पे ताकि वीडियो अच्छी आए. कैमरा तेरे मुंह से बड़ा है ना. अभी तो गाइज, ये है यहाँ का स्विस ग्रैंड कैनियन. दिख रहा होगा आपको, दिखाओ सबको. क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, लेकिन क्या करें. अभी मैंने अपना सबसे पहला अच्छा सा ड्रोन शॉट लिया. तो मैंने स्टार्ट किया उड़ाना और मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया. और बच्चे खड़े हुए थे बगल बगल में, सब बच्चे बोल रहे अरे कितना दूर गया, कितना दूर गया. अब शायद घर जाके अपनी माँ को बोलेंगे मुझे भी ड्रोन चाहिए. गाइज, अब हम इधर आ गए. ये लेक है बगल में. कौन सी लेक है? कुमसे लेक ऐसा तो कुछ है नाम. तो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा स्विट्ज़रलैंड में. हर चीज़ यहाँ पे फेंस्ड है यहाँ पे, तो हम जा नहीं सकते. उधर जा तो सकते हैं, लेकिन टिकट लेना पड़ेगा. और टिकट क्यों ले हम, क्योंकि हम स्विमिंग हम दोनों को नहीं आती. टिकट 14 यूरो की है. 14 यूरो की टिकट, बाप रे. सिर्फ स्नान करने के लिए? नहीं नहीं. तो यहाँ पे पूरा का पूरा इलाका फेंस्ड है. टेंशन बढ़ा लेती है. क्या है टेंशन बताओ हमको. हम यहाँ पे हैं तो हम सब यहीं पे हैं, और कहाँ हैं. अभी सूरज ना बहुत
तगड़ा है और मैंने थोड़ी ड्रोन के शॉट लेने की कोशिश करी, देखते हैं कैसे आए हैं, लेकिन क्योंकि सूरज इतना स्ट्रांग है तो वो आ नहीं रहा है मज़ा। और सबसे मज़ा आता है सनसेट की तरफ ना, क्योंकि ब्राइटनेस कम रहती है और ऐसा मैंने यूट्यूब में सीखा है कि बहुत ही अच्छी वीडियो बनती है। लेकिन उसके लिए फिर इसको खोज लिए कि इसको घर जल्दी जाना है, घर जल्दी जाना है। अरे पहुंच जाएंगे घर पगली, इतना क्यों काम तो मुझे करना है ना, ये तो 12 बजे तक सोएगा, मुझे तो 7:30 बजे रिपोर्ट करना है। हाँ तो हो जाएगा साहब, मैं तो 2-2 बजे 4-4 बजे सो के मैंने 7-7 बजे की रिपोर्टिंग दी है। हाँ जब मैं सर्विस रेस्टोरेंट में काम करता था। अगले दिन सोता था तू? नहीं, काम किया है मैंने, क्योंकि पढ़ाई भी किया और काम भी किया है। हाँ तो स्टूडेंट लाइफ में तो यार जवान भी होते हैं ना लोग, अब हम बुढ़ापा आ रखा है क्या बोलूं। और मेरी 28 आवर शिफ्ट है, सो आई नीड टू स्लीप। अरे जरूर। यूरेका, हम पहुंच गए। वापस आते हुए थोड़ा मुश्किल था, बट वी डिड इट। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाँ बट सो टायर्ड। ज्यूरिक में एक बहुत ही अच्छी डोसे की दुकान है तो इसने मेरे को बोला डोसा, तो मेरे को याद आया यार डोसा खाने चल सकते हैं, क्योंकि ज्यूरिक के थ्रू ही जाना है घर। तो उससे मेरे को एक एनर्जी आई अजीब सी और मैं भागा, लेकिन शायद दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि 10 बजे से पहले हम पहुंच नहीं पाएंगे। लेट्स सी, अब हम जा रहे हैं वापस। तो डोसा पता नहीं डोसे की दुकान खुले रहे ना रहे, बट लेट्स सी, 2 घंटे लगेंगे इधर से, तो ज्यूरिख से 2 घंटे दूर है ये, अच्छी जगह थी। लॉक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे साथ स्विट्जरलैंड घूम चुके होंगे। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब। इफ़ यू वुड लाइक टू आस्क मी समथिंग, सब्सक्राइब और कमेंट, और फिर आपको मैं मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।